गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और आज है मेरी छुट्टी, सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी के साथ, तो सुबह सुबह मैं पी रही हूँ गर्म पानी। और पीछे दिखा देती हूँ आपको बालकनी की हालत, रुको। कल बारिश आई थी तो आपको बालकनी की हालत दिखाई दे रही है क्या हो गई। अभी मुझे पूरी बालकनी रेलिंग वगैरह सब कुछ साफ करना पड़ेगा, और अभी सारी साफ सफाई मैं करूंगी थोड़ी देर में। और पीछे जो है उधर वरुष्का सो रही है, तो उधर वाले एरिया के हम लोगों ने लाइट ऑन नहीं की है। बाथरूम वगैरह उठ के मैंने अंदर वाले रूम में, हम जो है अंदर वाला जो सबसे अंदर वाला रूम है उस रूम का वॉशरूम जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है सुबह उठ के जल्दी। और ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ, मतलब बेसिक काम जो है सुबह के वो ख़त्म कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा रहता है तो अभी वो कर नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, जब तक वरुष्का नहीं उठती अंधेरे में ही आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी जाके सब्जी काट के रख देती हूँ। फिर वरुष्का उठ जाएगी तो उसके बाद जो है मैं सब्जी आराम से बना लूँगी, तो काट के रख देती हूँ, टाइम बच जाएगा मेरा भी। और फिर आराम से बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, एंड आई विल शो यू कि आज मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ छुट्टी वाले दिन। आई होप आप लोगों को जो मेरे व्लॉग्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, और अगर मेरा कल वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज़, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, तो ये पहली सब्जी है जो मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बीन्स काट रही हूँ, जो दो टाइप की बीन्स होती हैं, एक तो जिन्हें फ्रेंच बीन बोलते हैं और एक ये देसी वाली जो बीन्स होती हैं गवारफली जिन्हें बोला जाता है, अनएजुकेटेड बीन्स वो वाली हैं। मज़ाक कर रही हूँ, अनएजुकेटेड बीन्स नहीं बोला जाता, इन्हें गवारफली बोला जाता है। इसके ऊपर एक मजाक चलता है तो उसमें बोला जाता है इनको अनएजुकेटेड बीन्स, इसलिए मैंने इनका नाम ऐसे ही बोल दिया, अनएजुकेटेड बीन्स। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट के तैयार कर लूँगी, और बहुत टाइम बच जाता है, मतलब जब तक वरुष्का नहीं उठती ऑब्वियसली मैं बाकी घर का कोई भी काम या आवाज़ खिटपिट वाला काम नहीं कर सकती, तो जो शांति वाले काम है वो फटाफट निपटा लेते हैं। कुछ काम अब हो जाएंगे, कुछ काम उसके उठने के बाद हो जाएंगे। छुट्टी है तो मैं आराम से टेंशन फ्री होके काम ऊपर नीचे जैसे मेरा मन करता है अपना रूटीन चेंज करके कर सकती हूँ। और आज छुट्टी है तो दूसरा काम जो मैंने सोचा था वो ये है कि मुझे घर की सफाई अच्छे से करनी है। बीच में एक दिन जो है जैसे छुट्टी थी तो मैंने पंखे साफ़ कर दिए थे, और अब जो है आज मैं सीढ़ियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सीढ़ियाँ वैसे तो मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ, बहुत रेयरली ऐसे होता है कि मैं सीढ़ियाँ साफ़ नहीं करती, लेकिन आज जो है पूरा रेलिंग वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अब मैं और विकी बैठ के पी रहे हैं सुबह की पहली ब्लैक कॉफ़ी, गर्म पानी हम लोग पी चुके हैं, अब पीने वाले हैं ब्लैक कॉफ़ी। और शक्ल से आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा कि भाई सुबह सुबह ऐसी शक्ल होती है दोनों की हमारी, तो सुबह उठे हैं, थोड़ी बातें होंगी, कुछ अपडेट्स होंगे जो विकी मुझे बताएंगे, ऐसे ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें और टाइम पास होगा हमारा। तो यहाँ पे अब मैं सब्जियों को अच्छे से धो लूँगी, काट के मैंने रख ली हैं। पीछे अभी तक वरुष्का नहीं उठी है, उसने मुंह फेर के लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा किचन की लाइट ऑन करके एटलीस्ट सब्जियाँ धो लेते हैं, और धीमी आँच पे जो है हल्का हल्का सा तड़का तैयार करना शुरू कर देती हूँ मैं। तो वही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे तड़का मैं बना लूँगी और सब्जियाँ डाल के। जैसे ही मेरी फर्स्ट सब्जी जो है ना ये वाली बन के ख़त्म हुई थी, इतनी ही देर में वरुष्का उठ के बैठ जाएगी, फिर मैं उसे जाऊँगी, उठाऊँगी, पानी वगैरह पिलाऊँगी, उसका शुशु करवाऊँगी। तब तक विक्की जो है वो सारे कपड़े फोल्ड कर देंगे, रख देंगे एक साइड पर, और ये काम हो जाएगा। कुछ नहीं, अपने मम्मा के गुड मॉर्निंग पूछी थी। दे दो तुलसी, दे दो पापा की, दे दो पापा को गुड मॉर्निंग बोल दो। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूसरी सब्जी की तैयारी, तो दूसरी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है खट्टा मीठा सीताफल। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ एक छोटे साइज़ का सीताफल, और साथ में ली हुई है एक कच्ची आम भी। ये मैं बनाने वाली हूँ खट्टा मीठा सीताफल, और साइड में देखिए क्या चल रहा है, ये हाथ छोड़ो, पापा को पकड़ो,
कर लेगी मैं बेटा। वंस मो के ब्लॉग्स में हाय करेंगे। पिकू इधर आ, हेलो करेंगे, इधर आ जाओ। हाय गाइस बोल दो। हेलो गाइस तो बोल दो। और अब हमारी ब्लैक कॉफ़ी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो पीने वाले हैं सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय। और अगर आप लोगों को पता है कि मैं चाय की कितनी बड़ी शौकीन हूँ, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, एक सुबह की चाय और एक शाम की चाय, सबसे जन्नत वाला टाइम होता है ये। तो यहाँ पे मैं और विक्की बैठ के करेंगे खूब सारी बातें। मतलब चाय पीने में छुट्टी वाले दिन हम कम से कम नहीं ना आधा पौना घंटा लगाते हैं, बैठ के आराम से खूब गप मारते हैं। मैं हॉस्पिटल की बताती हूँ, वो अपने कुछ किस्से कहानियाँ बताते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक सेकंड, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, और फास्ट फॉरवर्ड में भी आप लोग देखेंगे कि एक सेकंड के लिए भी मेरा मुंह बंद नहीं होने वाला, कचर पचर चलती रहेगी। और साथ में वरुष्का है, उसके साथ भी वो देखो उसकी शैतानियाँ देखो कैसे चल रही हैं। उसको कभी टीवी चलाना है, कभी अपना वो टमी दिखाएगी, कभी कुछ करेगी। तो सुबह का ये बेस्ट टाइम होता है जहाँ हम अपना रिलैक्स होकर चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, और छुट्टी वाले दिन काम की भी कोई जल्दी नहीं रहती, तो अपना आराम से काम करो। ये देखो पेटोराम का पेट देखो कैसे निकाल रही है। अब इसे गोदी भी आना है, पद्दी भी चढ़ना है, सारे काम करने होते हैं खाने के टाइम पे। और चाय पीने के बाद मैं करूँगी घर की सफाई, विकी जो है वो वरुष्का को लेके बैठेंगे, क्योंकि वरुष्का की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे ही मैं कुछ भी काम शुरू करती हूँ, चाहे वो किचन का काम हो चाहे वो घर का काम हो, वो बीच में ज़रूर आती है, और ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है ही। तो किचन के काम में जब भी मैं करती हूँ तो विकी की सिर्फ एक ही ड्यूटी रहती है, वरुष्का को किचन में एंटर नहीं होने देना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है कि अगर गलती से कोई चीज़ गर्म लग गई या उड़ेल दी गई ऊपर से गिर गई, तो सबसे ज़्यादा वो जो बर्न वाला पेन होता है ना, वो कितना पेनफुल होता है इसका अंदाज़ा हम लोग लगा भी नहीं सकते। तो बेटर है बच्चे के साथ आप जितना प्रिकॉशन लें उतना सेफ रहेंगे। तो वहाँ यहाँ पे विक्की आप देख सकते हो, वो वरुष्का को लेकर बैठे हुए हैं कि उसको कहीं नहीं जाना, फिर भी ये महाराज जो है नीचे बार बार उतर रही है। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा, उसके बाद करूँगी सीढ़ियाँ साफ़। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज है हमारा डीप क्लीनिंग डे, डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलूँगी कि, लेकिन हाँ नॉर्मल काम से थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस नॉर्मली जो घर का झाड़ू पोछा है वो तो हो जाएगा, और बालकनी की हालत मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि बाहर जो है ना बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। तो उसे पहले ये झाड़ू पोछा ख़त्म करेंगे और फिर चलेंगे बालकनी साफ़ करने के लिए। तो बस ये लास्ट रूम है जिसमें अब पोछा लगाना बाकी रह गया, तो मैं अब बालकनी की तरफ जा रही हूँ अंदर की साइड से, और ये बाहर की तरफ मैं जा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा लास्ट वाला रूम कंप्लीट, और अब चलते हैं बालकनी की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेलिंग साफ़ करूँगी। रेलिंग साफ़ करने का रीज़न ये कि कपड़े सुखाए जाते हैं, तो अगर रेलिंग गंदी होगी तो धुले हुए कपड़ों पर भी रेत चढ़ेगा। दूसरा, वहाँ पर हम लोग आते जाते रहते हैं तो गंदा लगता है ना, तो मन भी नहीं करता खड़े होने का। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सारी रेलिंग को साफ़ कर लूँगी, और स्टील की रेलिंग है तो पानी से धो भी नहीं सकते क्योंकि जंग लग जाएगा, तो बेटर है कि उसे पोछे से ही साफ़ करें। अगर आपके घर के बाहर भी स्टील की रेलिंग है ना, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी जितना हो सके आप उसे डायरेक्ट पानी से साफ़ ना करें, गीले कपड़े से साफ़ करें, वो सबसे बेस्ट है। और ये साफ़ करने के बाद मैं करने वाली हूँ सीढ़ियाँ साफ़। तो यहाँ पर मैं अब सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले सीढ़ियों के जो ग्रिल्स हैं ये वाला जो है इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि जब आदमी ऊपर की तरफ चढ़ता ना, तो सबसे पहले नज़र इन्हीं पर जाती है, साइड रेल्स पे, और ये जो डिज़ाइन होता है इसमें कई बार क्या होता है, धूल मिट्टी या हल्का फुल्का बाल वगैरह कुछ ना कुछ अटका रहता है, तो वो बुरा लगता है। और हम लोग कई बार ऐसा होता है कि यहाँ रहते भी नहीं हैं, तो उस टाइम पर भी ये ज़्यादा गंदी हो जाती है, हालांकि अभी तो हम लोग रह रहे हैं तो साफ़ हैं एकदम से। और सीढ़ियाँ साफ़ होने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर। जो है डस्टिंग हमेशा झाड़ू और पोछा होने के बाद करती हूँ, डस्टिंग इन द सेंस जो वैसे वाली जो बारीक कपड़े से पूछने वाली होती है ना, कोलीन वगैरह से साफ़ करने वाली वो, क्योंकि जैसे आप झाड़ू निकालते हो तो वापस रेत जम जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे डस्टिंग करने का। तो यहाँ पे टेबल जो थी सेंटर टेबल वो, और ये सोफे के साइड में टेबल है, एक ये टेबल और एक ये चेयर, यूजुअली ये चेयर हम लोगों ने बैठने के लिए ली थी जहाँ हम लोग बैठते थे इस पे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का क्योंकि इस पे वरुष्का के खिलौने ही रहते हैं हमेशा, इसके कोई ना कोई खिलौना आपको इस चेयर पे ज़रूर मिलेगा। आप मेरा कोई भी व्लॉग उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा इस चेयर पे खिलौने मिलेंगे।
फिर से कैसे फिर से आओ बस यूं यूं खुश रहे पापा बेटी ऐसे ऐसे खुश रहते खुदा फांदी और लंच में मैं दिखा देती हूँ क्या बना है। सुबह से आपको पता है क्या बना है क्योंकि आज प्रिया दीदी आई हैं तो उन्हें खट्टा मीठा सीताफल पसंद है इसलिए मैंने स्पेशली आज वह बनाया था और साथ में बनाई थी आलू बीन्स की सब्जी। तो ये है आज का हमारा लंच, थोड़ी सी सैलेड, दही, प्लेन दही और रोटी। वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो भैया, इधर से मम्मा खा लेंगी। यहाँ से खाओ, देखो ये ऊपर वाला खाना है ठीक है, ये वाला खाओ ऐसे फिनिश करो। बेटी जब बड़ी होगी देखेगी तो मैं ऐसे आइसक्रीम खाती थी, ऐसे दो दो लोग मेरे आजू बाजू बैठते थे ये आइसक्रीम पूछने के लिए ना। क्या भाई पूछो मुझे। तो अब हो चुकी है रात और आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी ये वो लास्ट पार्ट होने वाला है सबसे अच्छा। बस